हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं हाउ डू यू इम्प्लीमेंट डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो सिंपल एक प्रोग्राम के थ्रू मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था अलर्ट मेथड, प्रॉम्प्ट मेथड और कंफर्म मेथड, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। वो एक सिंपल प्रोग्राम के थ्रू हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो HTML, और यहाँ पे मैंने यूज किया बडी टैग। और आप जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट के सोर्स कोड को लिखने के लिए हम लोग स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं, ठीक है। और इस स्क्रिप्ट टैग में मैंने एक यूज किया अलर्ट मेथड, और यहाँ पर मैसेज फ्लैश आउट करेगा वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। ओके, अब इसको हम लोग रन कराएंगे। यहाँ पे HTML को क्लोज कर दीजिए, वर्डी और HTML, कंट्रोल एस, और इसको सेव कर लेते हैं। सेव कर लेते हैं डायलॉग डॉट HTML। ओके, अब इसको आप रन कराइए फाइल। यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स में मैसेज आएगा, तो आप देख रहे हैं डायलॉग बॉक्स में मैसेज आ चुका है वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। आप इसमें न्यू लाइन में भी मैसेज को डिस्प्ले करा सकते हैं। बस सिंपल यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ br टैग यूज करते हैं। br टैग यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग \n यूज करेंगे। ओके, अब आप इसको रन कराएं। ओके, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट डिफरेंट लाइन में। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि हम लोग मैसेज को कैसे, हम लोग वेरिएबल के वैल्यू को कैसे प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो सिंपल एक वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पे, वेर ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20। आउटपुट आना चाहिए वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10 एंड वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 20 डायलॉग बॉक्स में। तो अलर्ट, यहाँ पर मैंने मैसेज दिया वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू प्लस ए न्यू लाइन प्लस \n वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू प्लस बी। ओके, अब इसको कमेंट लाइन बना देंगे। जो C++ में कमेंट होता है वही हम लोग जावास्क्रिप्ट में भी यूज करते हैं। कंट्रोल एस, अब आप रन कराइए। तो आपने देखा यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 20। अब यहाँ पे ये इनपुट डायलॉग बॉक्स हम लोग कैसे यूज करेंगे, ठीक है। अब रन टाइम इनपुट हम लोग लेना चाहते हैं डायलॉग बॉक्स के थ्रू। तो सिंपल दो वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करेंगे और प्रॉम्प्ट मेथड यूज करेंगे, वेर ए कॉमा बी, और दोनों वैल्यू को सम कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ए इक्वल टू प्रॉम्प्ट मैसेज, और यहाँ पर मैंने मैसेज दिया इंटर फर्स्ट नंबर। ओके, आप जानते हैं कि प्रॉम्प्ट के द्वारा जो भी हम लोग इनपुट लेंगे ये हमारा एज ए स्ट्रिंग होता है, और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पार्स इंट के थ्रू। पार्स इंट, सेमीकॉलन से टर्मिनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ऑप्शनल होता है। ओके, उसी तरह से हम लोग सेकेंड नंबर भी इनपुट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे बी में हम बी में नंबर इनपुट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने मैसेज दिया इंटर सेकेंड नंबर, सेकेंड इंटर सेकेंड नंबर,
अब यहाँ पे सम इक्वल टू ए प्लस बी, अब इसको आप प्रिंट करा दीजिए। अलर्ट, मैंने यहाँ पर मैसेज दिया एडिशन एडिशन इक्वल टू प्लस और यहाँ पे सम। अब आप इसको एग्जीक्यूट करा लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे रन टाइम इनपुट हुआ, मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे इंटर फर्स्ट नंबर 30 मैंने इंटर किया, फिर यहाँ पे 20 इंटर किया, ओके आउटपुट आया एडिशन इक्वल टू 50। ओके तो आप समझ गए कैसे हम लोग इनपुट डायलॉग बॉक्स और अलर्ट डायलॉग बॉक्स यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।